ओम शांति। आज की तारीख है 22/6/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे। अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है, इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है, जो तो हम सभी ने अनुभव किया है कैसे अव्यक्त बाप दादा ड्रिल कराते हैं, तो किस प्रकार पूरी सभा के अंदर इतनी भारी संख्या में लोगों के होते हुए भी कैसे सन्नाटा छा जाता है। तो बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। प्रश्न है आज का, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? उत्तर है, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, वो विघ्न डालेंगे, कलंक भी लगाएंगे, गाली भी देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंगी धर बनते हो। कहते हैं कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा इसलिए उस पर कलंक लगे, लेकिन अभी तुम बच्चों पर भी बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे कि हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलंगी धर बनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप, टीचर और सतगुरु तीनों का शो करना है। नंबर 2 है, ज्ञान क्लियर मिल रहा है, स्पष्ट मिलता है, इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है, फिर साक्षात्कार किसका और क्यों? इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान है, स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताजधारी अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है, चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। हाँ, मेरे ऊपर ये दोनों ताज है, अर्थात दोनों जिम्मेवारी से हम सेवा कर रहे हैं। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो क्या होगा? बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।